अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यकीनन आपको चिकन से प्यार होगा। जाहिर है ये टेस्ट के साथ हेल्दी है और अन्य मांस की तरह तुलना में पचाने में भी हल्का होता है। इसे प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। चिकन को बनाने के अनगिनत तरीके हैं और हर तरीका लाजवाब टेस्ट देता है। हालांकि चिकन को तेल में तलकर या ज्यादा तेल और मसालों में बनाकर खाने से सेहत को कई नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप चिकन से ज्यादा पोषण लेना चाहते हैं तो आपको इसे उबाल कर खाना चाहिए। बेशक उबला चिकन आपको उतना टेस्ट ना दे, लेकिन ये तय है कि इससे आपकी सेहत को कई फायदे जरूर होंगे। चिकन से बेहतरीन पोषण पाने के लिए बेहतर होगा कि इसे उबाल कर ही खाएं। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में उबला हुआ चिकन खाने के कुछ फायदों के बारे में। उबला हुआ चिकन वजन घटाने के लिए बढ़िया विकल्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चिकन को उबालते हैं तो इसका फैट और तेल निकल जाता है। उतना ही नहीं, उबला हुआ चिकन खाने से आपको कैलोरी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। डाइजेशन में आसान। चिकन करी और फ्राइड चिकन आदि डिश को पचाने में मुश्किल होती है, उनमें तेल और मसाले ज्यादा होते हैं। उबला हुआ चिकन हल्का होता है और इसे आसानी से पचाया जा सकता है। विटामिन और मिनरल का भंडार। चिकन में ऊर्जा बढ़ाने वाले कई पोषक तत्व होते हैं। ये विटामिन B6 और विटामिन B12 का एक बढ़िया सोर्स है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें आयरन और जिंक जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, जो इम्यून पावर को मजबूत करने में मदद करते हैं। मसल्स बिल्डिंग के लिए भी उबला हुआ चिकन काफी फायदेमंद है। यह आपकी मांसपेशियों में ताकत भरने का नेचुरल तरीका है। चिकन में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। हड्डियों को बनाता है मजबूत। हड्डियों की मजबूती में सुधार करने के लिए प्रोटीन जरूरी है और चिकन में ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये हड्डियों की मजबूती को सुधार करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।